खबर गोंडा से है। एसपी नेता डिंपल यादव ने गोंडा में रोड शो किया है। इस दौरान डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में सभी परेशान हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जवान परेशान हैं। डिंपल यादव ने एसपी को वोट देने की अपील की। जो लगातार 10 वर्षों में झूठ बोलती हुई आई है, जिसने देश के हालात परिस्थितियां एकदम विपरीत कर दी है। आज हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, माताएं बहनें परेशान है। खबर वाराणसी से है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। साथ ही कहा कि बीजेपी में बन रहे रोपवे को लेकर भी सवाल उठाया। अजय राय ने कहा कि रोपवे से बनारस वासियों की निष्ठा का हनन होगा, आने वाले समय में रोपवे घरों में झगड़े का कारण बनेगा। अभी बनारस में आप रोपवे चला रहे हैं, सबकी निष्ठा भंग होगी, सबके घरों पर से जाए, कितने लोग पर्दे ढकेंगे, कितने लोगों को घर बंद कराएंगे आप। मैं यहाँ जरूरत रोपवे की नहीं है, बनारस को मेट्रो की जरूरत है, जो शहर के बाहर से एयरपोर्ट से बीएचयू को जोड़े, तमाम पूरे के पूरे शहर की जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। आप रोहनिया को जोड़िए, राजा तालाब को जोड़िए, मिर्जा मुराद को जोड़िए, आप जनसा को जोड़िए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 का चुनाव पहले के चुनावों से अलग है, क्योंकि पहले के चुनाव में संविधान बदलने की आशंका नहीं थी। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस प्रमुख ने कई बार आरक्षण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पहला हक किसानों मजदूरों का छीना। उन्होंने कहा कि मोदी किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 तो देते हैं, खाद और डीजल का भाव बढ़ा दिया। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े किए और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। इसके हालात सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस है वो होना आवश्यक है। कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 में हो चुका है, 2021 में होना था, लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 को उसको उजागर नहीं किया। 2021 में तो कोरोना के नाम से टल गया, अब 2024 आ गया और उसमें फिर भी नहीं दे रहे। आखिर इसमें आपत्ति क्या है? जिन नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसका घोर विरोध मोदी जी ने किया था, आज उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। आखिर किसी को इसमें आपत्ति होना नहीं चाहिए। 140 करोड़ के देश में जहां